आम आदमी तो रोज जाम में फंसता है, लेकिन जब एक आईएएस अधिकारी जाम में फंस जाए तब क्या होता है, आज हम आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नेशनल हाईवे को 6 लेन में बदलने का तेजी से कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हाईवे पर भयंकर जाम लग जाता है। पुलिस घंटों मशक्कत के बाद जाम खुलवा पाती है। मंगलवार को भी हाईवे पर भीषण जाम लग गया, इसमें जिलाधिकारी और एसडीएम की गाड़ी फंस गई। डीएम की गाड़ी जाम में फंसे होने की सूचना से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया जा सका। नेशनल हाईवे को 6 लेन में बदलने के लिए ओरिएंटल कंपनी द्वारा तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वाहन चालकों की आपाधापी और बेतरतीबी के चलते आए दिन हाईवे पर जाम की समस्या बनी रहती है। रक्षाबंधन त्योहार के बाद यात्रियों और वाहनों की भीड़ के चलते मंगलवार को सुभाष तिराहे से लेकर मैनपुरी चौराहे तक हाईवे पर जाम रहा। दोपहर को जिलाधिकारी नेहा शर्मा रुकनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रही थी, तो उनकी गाड़ी भी जाम में फंस गई। डीएम की गाड़ी के आगे चल रही एसडीएम की गाड़ी में बैठे पुलिस कर्मियों ने वाहनों को हटवाया, इससे डीएम की गाड़ी जाम से निकली। वहीं हाईवे पर करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। तेज धूप और गर्मी से वाहनों में सवार यात्रियों का बुरा हाल हो गया।